हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑर्गन सिस्टम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर टू में हम समझेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। इस सीरीज़ के लेक्चर वन में हमने कवर किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विथ अवर सेकेंड लेक्चर, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं इंट्रोडक्शन बिहाइंड नर्वस सिस्टम। The nervous system is very important in helping to maintain the homeostasis, that is balance of the body. A series of sensory receptors work with the nervous system to provide information about changes in both the internal as well as external environment. The human nervous system is a complex of interconnected system in which larger system are comprised of smaller subsystem, each of which have specific structure with specific functions. सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो बेसिकली यूज होता है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए इन ह्यूमन बॉडी। नर्वस सिस्टम में कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको हम सेंसरी रिसेप्टर बोलते हैं, और वो रिसेप्टर हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग चेंजेस इन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इन्वायरमेंट। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का, जिसमें स्मॉलर सब सिस्टम होते हैं और सबका डिफरेंट स्ट्रक्चर एज वेल एज डिफरेंट फंक्शन होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। देन आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ये एक एलिमेंट होता है नर्वस सिस्टम का, और समटाइम इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं लाइक न्यूक्लियस, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड टर्मिनल एंड फाइबर। इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट सेल बॉडी। सेल बॉडी इज द मेन प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द सेल, ये मेन सेंटर होता है सेल का। देन सेकंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आर द थिन ब्रांचिंग एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स थिन ब्रांचेस होती है सेल बॉडी की, जो कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करती है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। देन थर्ड है एक्सॉन। एक्सॉन इज अ सिंगल ब्रांच विच कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन एक सिंगल ब्रांच होती है जो कि कंडक्ट करती है नर्व इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। देन वॉट इज इम्पल्स ट्रांसमिशन, इट इंक्लूड टर्मिनल एंड फाइबर्स। टर्मिनल एंड फाइबर्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन एंड दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस लीविंग द न्यूरोन अक्रॉस अ साइनेप्स टू द नेक्स्ट न्यूरोन। नाउ अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोन्स। Basically, there are three types of neurons. First, efferent, which is also known as motor neuron. Second, afferent, which is also known as sensory neuron. And third is interneuron. First, हम समझते हैं efferent neuron क्या होते हैं। It conveys information from the CNS to muscle and glands. Basically, motor neuron वो neuron होते हैं जो information share करते हैं from central nervous system to muscle and gland. Then third, sensory, that is afferent neuron. It carry information from sensory receptor to central nervous system. ये information को carry करते हैं from receptor to central nervous system. Then last is interneuron. It carry and process sensory information. So this is all about the types of neurons. These three diagram shows the types of neuron, that is motor neuron, sensory neuron and interneuron. Please take the screenshot for better understanding. नाउ अब हम समझ लेते हैं न्यूरोग्लिया क्या होता है। न्यूरोग्लिया सपोर्ट, प्रोटेक्ट, कनेक्ट एंड रिमूव डेब्रिस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। बेसिकली जो न्यूरोग्लिया का काम होता है वो सपोर्ट, प्रोटेक्ट और कनेक्ट करने का होता है, और रिमूव करते हैं वो डेब्रिस को फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया प्रेजेंट। फर्स्ट एस्ट्रोसाइट्स, सेकंड ओलिगोडेंड्रोग्लिया एंड थर्ड माइक्रोग्लिया। देन ऑल बॉडी एक्टिविटीज like voluntary as well as involuntary are controlled by the nervous system. जितने भी body के activities होते हैं voluntary like walking, talking, dancing and involuntary like breathing, digestion and beating of the heart, all are controlled by the nervous system. ये जितने भी body के activities होते हैं वो सब कौन control करता है? Nervous system. Nervous system के दो major component होते हैं। First central nervous system, that is CNS, and second peripheral nervous system, that is PNS. Central nervous system is made up of brain and spinal cord, and peripheral nervous system is made up of nerve that lead into out of the CNS.
नाउ अब हम समझ लेते हैं फर्स्ट दैट इज CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन। ये दो मेजर इंटरकनेक्टेड ऑर्गन से बना होता है। फर्स्ट है ब्रेन, सेकंड स्पाइनल कॉर्ड। दीज ऑर्गन वर्क टुगेदर टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द वेरियस टिश्यूज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर न्यूरल फंक्शन सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशन। बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक साथ वर्क करते हैं और सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट करते हैं और वेरियस टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं इन द बॉडी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हायर न्यूरल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सच एज मेमोरी, लर्निंग एंड इमोशंस। CNS का फर्स्ट ऑर्गन समझ लेते हैं ब्रेन। वेज अबाउट 3 pounds इन एडल्ट। जो 18 साल के ऊपर के लोग होते हैं उनके अंदर ब्रेन का जो वेट होता है वो 3 pounds होता है। देन इट इज मेड अप ऑफ 75% ऑफ वाटर, 20% ऑफ ऑक्सीजन एंड इट आल्सो कंटेन ओवर 100 billions ऑफ न्यूरॉन्स। 100 billions के ऊपर इसमें न्यूरॉन्स होते हैं। देन इट कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस एंड इंट्रैक्शन विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। इसके बेसिकली 4 parts होते हैं, सेरिब्रम, डायंसिफेलॉन्स, ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। फर्स्ट हम समझ लेते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ व्हाट इज मिड ब्रेन? इट इन्वॉल्व विथ विजुअल रिफ्लेक्सेस। देन पॉन्स, पॉन्स लोकेटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो लोकेशन होती है पॉन्स की वो मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में होती है। पॉन्स कंट्रोल्स सर्टेन रिस्पायरेटरी फंक्शन, ये रिस्पायरेटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देन थर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स सेंटर्स दैट रेगुलेट हार्ट एंड लंग फंक्शनिंग, स्वेलोइंग, कफिंग, वोमिटिंग एंड स्नेजिंग। देन सेकंड समझ लेते हैं सेरिबेलम। द एरिया दैट कोऑर्डिनेट मसल स्केलेटल मूवमेंट टू मेंटेन पोस्चर बैलेंस एंड मसल टोन इज कॉल्ड सेरिबेलम। इन्फेरियर टू द ऑसिपिटल लोब्स ऑफ द सेरिब्रम एंड पोस्टेरियर टू द पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो सेरिबेलम होता है वो कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर स्केलेटल मूवमेंट और मेंटेन करता है बॉडी का पोस्चर बैलेंस एंड मसल टोन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। नाउ आप समझ लेते हैं व्हाट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज लोकेटेड अबव द सेरिबेलम। इट कंटेन्स टू हेमिस्फेयर विद एन आउटर पोर्शन कॉल्ड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। द टू हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज ऑफ नर्व फाइबर दैट रिले इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू हेमिस्फेयर कॉल्ड द कॉर्पस कॉलोसम। द लेफ्ट एंड राइट लोब्स आर ईच डिवाइडेड इंटू 4 lobes और पार्ट्स। फर्स्ट फ्रंटल लोब, सेकंड टेम्पोरल लोब, थर्ड ऑसिपिटल लोब एंड फोर्थ इज पराइटल लोब। जो सेरिब्रम होता है वो सेरिबेलम के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसमें 2 hemispheres होते हैं, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम बोलते हैं। दोनों हेमिस्फीयर कनेक्टेड होते हैं एक ब्रिज से जिसको नर्व फाइबर बोलते हैं। सेरिब्रम के लेफ्ट और राइट लोब्स 4 parts में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पराइटल लोब, सेकंड फ्रंटल लोब, थर्ड टेम्पोरल एंड फोर्थ इज ऑसिपिटल लोब। देन हम समझते हैं व्हाट इज डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन इज द डीप पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट कंटेन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड वेंट्रल थैलेमस। ये डीप पोर्शन होता है ब्रेन का और इसमें आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस एंड वेंट्रल थैलेमस। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन टू द एरिया अराउंड द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा इन द लोअर बैक। नर्व्स फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सटेंड आउट from the spinal cord. Spinal cord protected by vertebral column, cerebrospinal fluid that is CSF and meninges. Meninges are the 3 layers of membrane that cover the brain and spinal cord. There are layers of meninges. First, dura mater that is outer tough fibrous membrane. Second, arachnoid mater that is middle web-like membrane containing CSF. Third, pia mater that is innermost layer containing several blood vessels.
दिस डायग्राम शोज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द CNS। नाउ अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे नर्वस सिस्टम के, दैट इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज PNS इज अ कलेक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, गैंग्लिया एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी स्ट्रक्चर दैट एज अ सिस्टम कैरीज सेंसरी एंड मोटर इन्फॉर्मेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑल अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फंक्शनली डिवाइडेड इंटू टू मेजर डिविजन, फर्स्ट द सेंसरी और अफरेंट डिविजन, सेकेंड द मोटर और इफरेंट डिविजन। मोटर डिविजन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक दैट इज विसरल नर्वस सिस्टम। देन PNS कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 12 पेयर होते हैं क्रैनियल नर्व के और 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के। तो हम देख लेते हैं क्रैनियल नर्व्स के पेयर्स और उनके फंक्शंस। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व, उसका फंक्शन है सेंस ऑफ स्मेल। सेकंड है ऑप्टिक नर्व, उसका फंक्शन है सेंस ऑफ विजन। थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसका फंक्शन है आई मूवमेंट। फोर्थ ट्रोक्लियर, एड्स मसल दैट मूव्स द आईज। देन फिफ्थ ट्राइजेमिनल, द फंक्शन ऑफ दिस ट्राइजेमिनल इज आईज, टीयर ग्लैंड्स, स्कल्प, फोरहेड, टीथ, गम्स, लिप्स एंड माउथ मसल्स। देन अबड्यूसन्स, मसल कंडीशनिंग। देन सेवन फेशियल नर्व, द फंक्शन ऑफ फेशियल नर्व इज टेस्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, टीयर एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। देन कमिंग टू एट वेस्टिबुलो कॉक्लियर, फंक्शन इज हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। देन ग्लोसोफेरेंजियल, फंक्शन इज फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, टंग एंड कोरोटिड आर्टरीज, स्टिमुलेट सेलिवरी ग्लैंड। देन टेंथ वेगस, फंक्शन इंक्लूड स्पीच, स्वेलविंग, हार्ट मसल, स्मूथ मसल एंड सर्टेन ग्लैंड। देन सेकंड लास्ट इज एक्सेसरी, द फंक्शन इंक्लूड मसल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नेक। एंड लास्ट इज हाइपोग्लॉसल, द फंक्शन इंक्लूड टंग मूवमेंट। सो दिस आर द 12 क्रैनियल नर्व विद देयर फंक्शंस। This is the complete diagram of nervous system. Now coming to what is somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system is responsible for receiving and processing sensory input from the skin, muscle, tendons, joint, eyes, tongues, nose and ears, as well as excite the voluntary contraction of the skeletal muscles. And ANS, that is autonomic nervous system, carries impulses from the central nervous system to glands, various smooth muscle, cardiac muscle and various membrane. It also stimulates organ, glands and senses. So this is all about the second lecture from the organ system series. In third lecture we will see the complete endocrine system. Till then take care and bye bye.